कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ा झटका लगने वाला है कल से आप सभी के जिंदगी में। जो होने वाला है सुनकर आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। एक शब्दों में कहें तो आपके दिल के दो टुकड़े हो जाएंगे। जो बड़ी बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, ये बातें आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है मेरी प्यारी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूलकर भी मिस मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो जरूर एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके सभी दुश्मनों का, कष्टों का सर्वनाश करें। प्यारे दोस्तों, हम अन्य हाथ में लेकर आपसे कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक थोड़े से सतर्क रहना, क्योंकि आपके ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां सकती हैं और सबसे बड़ी विपत्ति होगी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का जानलेवा हमला या बाहर किया जा सकता है। ये दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे, ये आपके ग्रहों की दशा कह रही है, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में बंधा एक बहुत बड़ा अनिष्ट ग्रह योग से बचने के भी तरीके हैं, लेकिन जन सामान्य को इस प्रकार की जानकारी होती नहीं है। फिर होता वही है कि जीवन में अनिष्ट घटना घट जाती, उसके बाद इंसान सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारा भाग्य खराब था, शायद इसी वजह से हमें ऐसी घटना हुई। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारी एक जान नेपाली मित्र थे, उनके साथ यही हुआ। उनके जीवन में भी 7 दिनों के लिए एक अनिष्ट ग्रह योग बना था, तो हमने उन्हें खूब सतर्क किया कि आप थोड़ा सावधान रहिए और कुछ विशेष उपाय कर लीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी जैसा कि लोग अक्सर करती हैं। उन्होंने भी वही किया कि इन सब बातों को मजाक में ले लिया। फिर हुआ यह कि उनकी लगातार 3 बार दुर्घटनाएं हुई और 4थी बार जरूर की दुर्घटना हुई, यानी हर दिन उनका किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता था। तभी मोटरसाइकिल से गिर जाते थे तो कभी कोई उन्हें टक्कर मार जाता था। प्यारे दोस्तों यकीन मानिए कि 4थी बार जब उनके साथ दुर्घटना हुई तो वह इतनी हद है फैदारक और भयानक थी कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। प्यारे दोस्तों के कहने में तो यह बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम आपको फिर भी इन बातों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर यही करते हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा होता है फिर भी पता नहीं क्यों अज्ञानता की पट्टी अपनी आंखों पर बांध कर बैठे रहते हैं और हर एक बात को मजाक में ले लेते हैं। दोस्त, हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रही हैं, हर दिन आपके लिए ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम ला रहे हैं और अपनी हर एक ज्योतिष कार्यक्रम में आपको सर्वश्रेष्ठ और सत्य जानकारियां देते हैं। भविष्यवाणी अतिथि, हमारे ऊपर इतनी तो कृपा है, हम जो भी विचार करके कहते हैं वह सत्य हो ही जाता है और उपाय बता देते हैं, कार्य करते हैं। ये बसों की माई की सेवा का फल आप कह सकते हैं। तो बस अब आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, अगले 3 दिन आपके जीवन में खतरनाक हैं। आप यकीन न माने तो कल से ही आप देखना, आप कहीं भी जाएंगे आपके साथ किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती रहेगी। अब आप सतर्क रहते हैं तो आप जाएंगे, बस ये घटना है, आपको छूकर निकल जाएंगे, और यदि आप कुछ विशेष उपाय भी कर लेते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जीवन में जब भी कोई अनिष्ट ग्रह योग बनता है तो उसमें किन्हीं 2 क्रूर या पापी ग्रहों की युति बनती है जो जातक को प्रेरित करती है, और ऐसे में यदि उन ग्रहों के कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो इस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र की यही तो खूबसूरती है प्यारे दोस्तों, कि यहां जहां लोगों को पीड़ाओं के बारे में बताया जाता है, वही फुल पीड़ा से मुक्ति के तरीके क्या है या निक्की ने उपायों को करने से कौन से ग्रह शांत होती हैं, उनकी नकारात्मक प्रभाव कम होती है, इस विषय पर भी विस्तार से बात की जाती है। और शायद ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्मी यही है कि लोगों को आने वाले कष्ट और परेशानियों से मुक्त किया जाएगा।
ये प्यारे दोस्तों सभी ज्योतिष की सार्थकता सिद्ध होती है, तो बस अब आप चिंता ना करिए, इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखिए। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो बातें हम आपको बता रही हैं, उन बातों के पूरे साक्ष्य और प्रमाण भी हम आपको देंगे और शास्त्रीय विधि से इन समस्याओं के निवारण का पूरा तरीका आपको समझाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हम आप उपाय के बारे में कुछ बताएंगे, तो वह न केवल हमारी तरफ से ज्योतिषी उपाय होगा, बल्कि मां भद्रकाली की कृपा भी कुछ उपाय में शामिल होगी, क्योंकि हमने कई अनुष्ठानों के द्वारा इन उपायों को सिद्ध किया हुआ है, तभी तो ये उपाय इतनी शक्ति के साथ कार्य करते हैं। तो अब आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है और इस विशिष्ट उपाय को अवश्य ही जान लेना है। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जैसे जैसे इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे, आपको वह सब मिलना शुरू हो जाएगा जो आपने अब तक केवल सपनों में ही सोचा था। इस बात के लिए हमारे पास हजारों प्रमाण हैं। जब लोगों की दुख तकलीफ है, देखते देखते ही दूर हो गई लाखों के का उपस्थित जीवन नर्क के समान हो गया था, लेकिन कुछ विशेष उपाय हमने बताए तो मांग की कृपा से उन्होंने इतना गहरा कार्य किया कि आज उनके पास ना तो कोई कर्जा है, बल्कि उनके पास लाखों की दौलत भी है, क्योंकि कमाई किस सोच बड़ी हो गई। उनके तो बस अपने मन में विश्वास को बनाए रखना है। इसका वाक यदि आपने मन में कर लिया, तो फिर हर एक विचार आपको विषैला ही महसूस होगा, हर बात आपको कड़वी और उसमें संदेश ही आपको महसूस होगा। आपको केवल माई पर विश्वास रखना है और हमारी मेहनत पर भी आपको यकीन करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उस जीवन उपयोगी ज्ञान से परिचय कराते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं तीन बार लिखना। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, ताकि हमारे यहां जो सर्व मनोकामना पूर्ति हो, उस हवन में हम आपके नाम से भी अभियान करवा दें। प्यारे दोस्तों, हमारा यह आयोजन माई के आदेश और उनकी कृपा से बहुत ही भव्य स्तर पर किया जाता है। इसमें लाखों लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने की कामना की जाती है और उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए मां से विनती की जाती है, निवेदन किया जाता है। साथ ही साथ इन्हीं लोगों की बारी में माई के दरबार में अर्जी लगाई जाती है। इससे माई की कृपा उन तक पहुंच जाती है और उनके जीवन में सदगति प्राप्त होने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। बस पूरे विश्वास के साथ अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। यह एक बड़ा अभियान है, जब तक चल रहा है अब तक इसका लाभ ले लीजिए। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना अधिक सब्सक्राइब करिए कि लाखों करोड़ों लोगों तक माई की कृपा और उनकी आदेश पहुंचने लगे। तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दीजिए। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इस बड़े ही भव्य अभियान में शामिल हो जाइए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी है। बुध ग्रह है जो आपके जीवन में अगले तीन दिनों के लिए एक अनिश्चित रहे योग का निर्माण कर रहे हैं और इससे आपको कैसे बचना होगा। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको दूरी बनानी है अगले तीन दिनों तक, क्योंकि यहीं से आपको चोट लगेगी, बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह दोस्त सबसे पहला कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, वह पैसों का लेन देन करना। ये प्यारे दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के पैसा ना दें, और ना ही कुछ दिल्ली कहने का मतलब ये है कि ना तो आप किसी से कर्जा लें और ना ही किसी को कर सकते, क्योंकि अगले तीन दिनों में निश्चित तौर पर आपसे कोई ना कोई कर्जा अवश्य ही मांगेगा, या फिर आप ही ऐसी कोई अचानक जरूरत आन पड़ी कि जब आपको कर्जा लेने की आवश्यकता महसूस होगी। ये प्यारे दोस्तों, ग्रहों का यही तो खेल होता है कि परिस्थितियों का ऐसा निर्माण करते हैं कि जातक बस उन परिस्थितियों में उलझकर ही रह जाता है। तो आप समझना है, ये जो परिस्थितियां बनी हैं जिनमें आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, या फिर कोई आपका बहुत ही सगा संबंधी पैसे मांग रहा है, वह केवल ग्रहों की चाल है। कुछ ही समय बाद जैसे ही ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, इन सब परिस्थितियों को भी बदलना ही होगा। तो आप इन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ग्रहों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक भ्रम मानकर बिल्कुल नकार दें। दोस्त कोई आपसे पैसे मांगे,
आप बिल्कुल साफ मना कर देना, और आपको भी यदि पैसे की जरूरत पड़े तो आप बस 3 दिन के लिए ठहर जाना। 3 दिनों के बाद हम आपको लिख कर देते हैं कि जो जरूरत आपको पड़ी थी वह अपने आप कहीं गायब हो जाएगी, ऐसे विलुप्त हो जाएंगी जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाती है। यही तो विचित्र माया है ग्रहों की। अब दूसरा कार्य प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें, इसके लिए भी आपको बहुत सतर्कता से काम लेना होगा। किसी भी अपने बहुत ही खास व्यक्ति पर भूलकर भी अंधविश्वास नहीं करना है। कोई आपसे कहता है कि रात के समय कहीं पर पार्टी की जा रही है, चलो चलते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, खाते पीते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। साथ ही साथ कोई आपको उल्टे सीधे समय पर कहीं बुला रहा है, चलिए वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, इसके साथ घूमेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, जी नहीं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगले 3 दिनों में कोई अपना ही है जो आपके ऊपर का तरीका बिना प्यारे दोस्तों, और यह तो उसकी वजह से होगा। आपका कोई अपना आपके लिए मन में पता नहीं कितना जहर भरकर बैठा हुआ है और वह फायदा उठाना चाहता है। जी हां प्यारे दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखे हैं जिनमें कि एक इंसान किसी के साथ कहीं खाने पीने के लिए निकलता है और रात के समय बहुत अधिक रात हो जाने की बाद भी अपने घर वापस नहीं आता। फिर अचानक फोन बजता है और पता चलता है कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया, किसी ने उसे मार दिया या फिर वह खुद ही कुछ खा पी के कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ अनहोनी घटना हो गई। ऐसा इसलिए होता है प्यारे दोस्तों कि ग्रहों की चाल विपरीत होती है और अनिष्ट ग्रहों जानलेवा भाव में उत्पन्न हो जाती है, इतनी नकारात्मक हो जाती है कि जान ही ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ प्यारे दोस्तों? जिन लोगों के साथ वह रोज रहता था, जो उसके खास मित्र थे, उन्हीं के साथ खाता पीता घूमता था, अचानक क्या हुआ, थोड़ी सी बागड़ी में बदल गई और वे झगड़ी ने इतना बड़ा रूप ले लिया क्या कि बहुत बड़ा घात हो गया, जानलेवा हमला हो। क्या ऐसा ही होता है प्यारे दोस्तों की बुद्धि को फिर देते हैं? इसी वजह से ऐसा हो जाता है तो आपको ऐसी परिस्थिति से बचना है। कोई आपको उल्टे सीधे टाइम पर कहीं बुलाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, सतर्क रहना है, अपने काम से काम रखना है। आपके लिए वैसे भी अत्यधिक फालतू की मित्रता बहुत ही घातक है। आपको केवल उन्हीं लोगों से संपर्क रखना है जो आपके अपने हैं, आपके काम आते हैं और आपके भरोसे की है, बहुत ही खास है। ज्यादा लोगों से दोस्ती करके आप अभी सब पछताएंगे। अब तीसरी बात, आपको बहन और मशीनरी, इनसे बहुत सफल कर कार्य करना है। ये प्यारे दोस्तों वाहन चला रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें, और कोई भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में कार्य करती हैं, जहां कोई बड़ी भारी मशीनरी चलती है तो उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, और यदि उसके नजदीक भी जाए तो बेहद सतर्क रहें, सावधान रहें। ये प्यारे दोस्तों वाहन चलाते समय भी हो सके तो आप वाहन ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है, किसी और से चल वाले आप ना चलाएं, अगले 3 दिनों के लिए, उसके बाद आप चलाएं, कोई समस्या नहीं होगी, बस 3 दिनों के लिए आप पर जाएं, और यदि आप चलाएं भी तो धीमे चलाएं, जल्दबाजी दिखाएं और सतर्कता के साथ। कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी राशि से सीधे सीधे चला जा रहा होता है, कोई दूसरा जिसने शराब पी रखी है या फिर किसी और स्थिति में है, दिमागी स्थिति में, विचारों में कई खोया हुआ है और पीछे से टक्कर मार दी और दुर्घटना हो गई, जिसको टक्कर लगी उसकी या तो जान चली गई या फिर बहुत बुरा हादसा हुआ, उसके साथ बहुत अपनी राय प्राप्त हुई, उसे तो उसकी क्या गलती थी, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो शराब भी नहीं पीते, उसने तो कोई गलत काम भी नहीं किया था, फिर भी उसके साथ दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया। इसलिए हुआ प्यारे दोस्तों क्योंकि इसने किसी अनिष्ट ग्रह की उसके ऊपर नजर थी और उसी के दुष्प्रभाव की वजह से उसके साथ यह हादसा हो गया। तो अब ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी बन रही अगले 3 दिनों के लिए, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप मशीनों से और वाहन आदि से दूरी बनाकर रखें, जितना दूर रहेंगे उतनी सुरक्षित रहेंगे। जीवन भर के लिए नहीं कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, केवल 3 दिनों के लिए आपको यकीन ना हो। आप यदि इन बातों को मजाक समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वाहन चलाकर देखिए, अगले 3 दिनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना निश्चित तौर पर होगी, हम लिख कर दे सकते हैं, आपको बस सतर्क रहिए। प्यारे दोस्तों अपनी जान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए। और एक बात और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि माया साक्षी है,
हम तो यह चाहते हैं कि आप वहां चलाएं और हमारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए। आपके साथ कोई हादसा ना हो, क्योंकि हादसा क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कई परिवारों को जलते हुए देखा है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए। आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, आपका बाल भी बांका ना हो, आप सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन प्यारे दोस्तों की जो चाल है, हम तो वही बता रहे हैं और अपनी अनुभूतियों के आधार पर बोल रहे हैं, माँ ही की कृपा के आधार पर हो रहे हैं। इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहें। आपकी सतर्कता आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब समझते हैं आपके जीवन में बनने वाला यह ग्रह योग कौन सा है। प्यारे दोस्तों, राहु और शनि की युति से निर्माण होने वाले इस योग का नाम है आप इतनी योग। जी हां प्यारे दोस्तों, यह भी हद ही अनिष्ट ग्रहों के जैसा किसका नाम है। यही सच है तो यह जातक को बुरी तरह से स्थापित कर देता है। अब राहुल जातक को मति भ्रम उत्पन्न करता है, यानी कि उसके दिमाग के साथ खेलता है, क्योंकि राहु के पास केवल दिमाग ही है, शरीर नहीं है, और उसने उस जातक को पीड़ा पहुंचाता है। शारीरिक राय भी हो सकती है और परिवार से जुड़ी हुई पीड़ा ए भी होती है। खास तौर से वाहन आदि भारी मशीनरी से पीड़ा प्राप्त होने के बहुत अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अब ऐसे में जातक क्या करें, क्योंकि यही योग बनेगा तो जातक को पीड़ा तो होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। जातक के हाथ में है केवल और केवल उपाय करना। प्यारे दोस्तों, राहु और शनि के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे और अगले 3 दिनों के लिए थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। तो अब इसके लिए आप क्या करें प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए। आपको अगले 3 दिनों तक लगातार शनिदेव के मंदिर जाना होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, और वहां पर शनिदेव को अपनी छाया दान करनी होगी। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव के लिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी जातक शनिदेव को छाया दान कर देता है, फिर उस जातक को छूते भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है प्यारे दोस्तों, क्योंकि शनिदेव खुद छाया पुत्र है। जब कोई जातक शनिदेव को छाया दान कर देता है, तो शनिदेव के ऊपर जो मात्र है, उसकी शपथ शनिदेव को स्वयं ही मिल जाती है। ऐसी बस शनिदेव चाहकर भी उस जातक को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपाय है ये। वैसे तो शनिदेव को प्रसन्न करने की हजारों हो पाए हैं, लेकिन हमने वायु को ज्यादा कार्य करते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस जातक को हमने यह उपाय करवाया, उसके ऊपर शनि की कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा रही हो, तुरंत 61K में समाप्त हो गई है। जी हां प्यारे दोस्तों, अब आप समझिए कि आपको क्या करना है। इन दिनों तक लगातार शनिदेव के मंदिर जाना है। अब शनिदेव के मंदिर, आप ऐसे मंदिर में ना जाएं जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति विराजमान है। आपको ऐसा मंदिर सुनना है जिसमें कि शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान हो। अब कुछ जातक यह कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसा मंदिर है जहां पर की मूर्ति ही विराजमान है, तो क्या करें प्यारे दोस्तों। हम आपको बताएं कि आप ऐसे मंदिर ना जाएं। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अब हैरान कर रही हैं, तो शनि देव का प्रतीक सामने होना बहुत आवश्यक है। कोई दूसरा उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे किया जा सकता है। यदि मंदिर नहीं है आसपास या फिर भी स्वरूप है, तब यही मजबूरी है, तब आप कर सकती हैं। लेकिन याद रखें कि यह पीपल का मंदिर में होना चाहिए, कहीं भी किसी वीरान जगह पर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको मानकर चलिए कि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति विराजमान है, तो आप वहां पर भी जाएं तो थोड़ा सा सावधानी पड़ते हैं। शास्त्रों में शनिदेव की जो नजर है वह बकरी है, और ऐसी नजर शनिदेव की खतरनाक है कि जो भी उनके सामने आएगा उसे कीड़ा मिलेगी। 100% कीड़ा करने की अब जो सामने आएगा वह शनिदेव की नजरों से नजर मिला था, तभी उसे शनिदेव की नजर पीड़ित करेगी। तो अब आपको क्या करना है। यदि ऐसा मंदिर है जहां मूर्ति विराजमान है, तो वहां शनिदेव के दर्शन शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर नहीं करना है। जी हां प्यारे दोस्तों, शनिदेव के मंदिर में प्रवेश करें, सिर्फ नीचे की ओर देखें और दाएं या बाएं खड़ी हो जाए, ठीक उनके सामने खड़ी ना हो। उन्हें स्पर्श करने की, छूने की कोई कोशिश ना करें। अभी सा बेहतर यह होगा कि आप अपने हाथ अपने पीछे रखकर, यानी कि जैसे कोई एक दोषी आरोपी इसी राजा के सामने पेश किया जाता है, अपने दोनों हाथ पीछे की ओर करके मंदिर में प्रवेश करें। अब ऐसा क्यों है प्यारे दोस्तों, किस शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं।
इस दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी प्रकार की गलती तो कर ही देता है, तो वह शनिदेव की नजर में दोषी तो है ही। अब आप शनिदेव के सामने जा रहे हैं तो आप हो वही दोषियों वाला भाव मानना पड़ेगा। यदि आप वहां पर भी अकड़कर चले जाएंगे और सीधे शनिदेव के पैर छूने लगेंगे तो आप अपनी आप खुद ही मोर ले लेंगे। प्यारे दोस्तों, हमने कई जातकों को देखा है जो यह कहते हैं कि हम शनिदेव के मंदिर लगभग रोज ही जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत पीड़ा आए हैं जीवन में। अरे भाई, जब आप राजा के सामने जा रहे हो, लगातार जा रही हो, तो आप राजा की नजर में चल रही हो। राजा आप पर विशेष नजर रखेंगे, आपके हर एक कर्म को बारीकी से जांच आगे। तो अब ऐसे में आपको जाना है तो आप दोषी भाव के साथ चाहिए। इससे राजा के मन में यह तो छवि बनेगी कि आप अपने दोस्त अपनी गलती मान रहे हैं। आपसे अनजाने में गलतियां हुई हैं तो ऐसे में शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्त, यकीन मानिए कि ये जो विधान है ये कार्य करती हैं, 100% काम करते हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। कोई भी आपको इस प्रकार की विशेष जानकारी नहीं देगा। आप पूरे YouTube पर ज्योतिष कार्यक्रम देख डालिए, कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, कोई भी इतने दिल से मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी विशिष्ट जानकारियों को खोजना पड़ता है, गहराई में जाकर खोजना पड़ता है, तब विशिष्ट जानकारी निकलती है। अध्ययन बहुत करना पड़ता है। आपको हम बता रहे हैं कि विधान यही है। फिर आप दाएं या बाएं खड़ी हो जाए, फिर उसके बाद आप दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें, शनिदेव की फेरी बिल्कुल ना लगाएं, ऐसा भी बहुत गलत होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आप सामान्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव की पूजा नहीं कर सकते हैं। शनिदेव कोई साधारण देव नहीं है, एक क्रूर ग्रह हैं, और यह क्रूरता जानबूझकर नहीं करते हैं। उन्हें श्राप मिला हुआ है, इसी वजह से यह क्रूरता उनके पास है। वैसे तो शनिदेव अपने आप में बेहद ही सरल, बहुत ही सीधे स्वभाव के देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, लेकिन उनके ऊपर स्टाफ कार्य करता है, उनकी ही पत्नी का है। इसकी वजह से मजबूरी में भी राय पहुंचाते हैं, तो आपको इसी भाव के साथ उस मंदिर में जाना है। आप जा सकते हैं, वहां पर आप शनिदेव को अपनी छाया दान करें, शनिदेव के मंत्र की 108 जाप करें, यानी कि एक माला AUM शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के जाप करें, और फिर पूरे भाव के साथ वापस आ जाएं। याद रखें कि जब आप छाया दान करें, उसके बाद आप जब घर वापस आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, सीधे घर में आकर आप अपने हाथ पैर धोकर सो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्त, आप अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला भी धारण करें। प्यारे दोस्तों, यह राहु के दोष को सभा करता है, लोहे में राहु का वास माना जाता है। अगर वह लोहा एक छल्ले का, एक पहिए का, एक दिन का रूप ले लेता है, तो वैसे तो लोग में शनिदेव का वास है, लेकिन वहीं यदि छल्ले का आकार ले लेता है तो वह राहु का प्रतीक माना जाता है। जब जातक राहु के प्रतीक को धारण करेगा तो फिर राहु क्यों पीड़ित करेगा। प्यारे दोस्तों, एक विशिष्ट उपाय, और आपको हम बता दें कि अगले 3 दिनों तक नित्य हनुमान जी के मंदिर भी जाएं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करें। जी हां प्यारे दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं, आज भी जीवित है, और शनि राहु केतु और मंगल 4 ग्रहों के ऊपर उनका आधिपत्य है। यानी जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करेगा, उन्हें यह ग्रह कभी भी पीड़ित नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ 3 दिनों तक लगातार करना है। प्यारे दोस्तों, उपाय बहुत ही सरल है, बिल्कुल ही मुफ्त के हैं, फ्री के हैं, लेकिन शक्तिशाली है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन उपायों में जितनी अधिक जटिलता बताई जाती है, यानी कठिनाई बताई जाती है, कि यह सामग्री, वह सामग्री, जहां जाओ वहां जाओ, असल में यह सारी की सारी प्रपंच है। हमारे शास्त्रों में उपाय बड़ी ही सरलता के साथ बताए गए हैं कि कोई भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी सरलता के साथ उस उपाय को कर सके। इतनी सरल उपाय हैं, बड़ी बड़ी उपाय बताए जाते हैं जिनमें बहुत जटिलता है, कठिनाई है, भी असल में व्यापार करने के तरीके हैं, उनके आधार पर लोग पैसे चार्ज करती है, उल्टी सीधी रख लेते हैं और व्यापार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप उपायों की सरलता से यह मत समझना कि यह उपाय काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बस आप पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ इन उपायों को कर लेना। एक और बात प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप शनिवार के दिन रात्रि के समय
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य। ऐसा इसलिए कि शनिवार के दिन हम आपके नाम से आहुतियां करवाएंगे, मां भद्रकाली के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाएंगे और यदि आप उन्हीं के नाम से दीपक भी जलाएंगे तो आपके लिए यह बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। आपके ऊपर माई की सीधी कृपा बरस उठेगी, तुरंत आपके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। माई अपनी दया दृष्टि और कृपा आपकी ओर भेज देंगे। ऐसा इसलिए होगा प्यारे दोस्तों क्योंकि यहां से तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप स्वयं भी यदि थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो माई के कृपा पात्र बन जाएंगे। याद रखना प्यारे दोस्तों कि कृपा का पात्र बनना पड़ता है, यानी वह बर्तन जिसमें कुछ भरा जा सके, तो उसके लिए आपको भी प्रयास करना ही पड़ेगा। अकेले डॉक्टर की मेहनत करने से मरीज ठीक नहीं होता, मरीज को स्वयं ही दवाइयां समय पर लेनी पड़ती है, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तब डॉक्टर की दवाई काम करती है। खाली डॉक्टर दवाई देता रहे मरीज, उल्टे सीधे टाइम पर खाए तो वह ठीक नहीं होगा। अब इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ये तो दोनों तरफ से किया जाने वाला प्रयास है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शनिवार की रात्रि में आप इस दीपक को अवश्य चलाना। इस दीपक को जलाने से आपके ऊपर हम जो क्रिया करेंगे, यानी कि आपके नाम से आहुति करेंगे, आपकी नाम की अर्जी लगाएंगे और भी शक्तिशाली तरीके से आपके ऊपर कार्य करेंगे। बस इतना ही हमें आपसे कहना है। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताएं अभी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप अपनी इस प्रश्न को पूछें कमेंट बॉक्स में, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर जल्दी से आपको उपलब्ध कराएं। हमारे ज्योतिष कार्यक्रम नहीं आपको नंबर दिखा करेगा, बस हमारे पास लोगों की कमी है, इतनी बड़ी हमारी टीम नहीं है, इस वजह से हम यह कार्य करने में थोड़ा संकोच कर रही हैं, क्योंकि एक बार नंबर दे दिया तो फिर अरे की समस्या सुनी होगी, समाधान करना होगा, यही हमारा परम कर्तव्य बन जाएगा, तो थोड़ा इसमें समय लग रहा है। लेकिन जल्दी ही हम आपको अपनी ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर दिलवा देंगे, इसमें आप सीधे ही हमसे बात कर पाएंगे और अपनी समस्याओं के सीधे सीधे समाधान ले पाएंगे। माई की कृपा रही तो यह सब बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना, एक बार नहीं तीन बार लिखना। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, मन में रक्षा भाव अवश्य बनाकर रखना, सारा खेल भावनाओं का है, विश्वास का है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय माता।